नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी को भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए बीज बोने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत में टुकड़े टुकड़े गिरोह का नेता बन गई है और फूट डालो और राज्य करो की विचारधारा पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी गैर जिम्मेदारी को उजागर करने और पहले तालाबंदी के दौरान प्रवासी संकट को ट्रिगर करने के लिए कांग्रेस को लताड़ा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने देश में पहले कोविड लॉकडाउन के दौरान घटनाओं की एक श्रृंखला का उल्लेख किया, जहां अप्रैल 2020 में बांद्रा रेलवे स्टेशन प्रवासी विरोध जैसी गैर जिम्मेदार घटनाओं को कांग्रेस द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान प्रवासी पलायन पर दोष का खेल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल के बीच देर रात तक जारी रहा। सोमवार देर रात ट्विटर के जरिए सीएम आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर प्रवासी श्रमिकों को महामारी के चरम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्हें मानवता द्रोही बताते हुए यूपी के सीएम ने तर्क दिया है कि आप सरकार की बेरुखी के कारण महिलाएं और बच्चे आधी रात को यूपी की सीमा पर फंसे हुए थे। राज्यसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से दो अनाधिकृत पिस्तौल और एक ऑल्टो कार बरामद की गई है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की सूक्ष्म जांच कर रही है और हमले को लेकर साक्ष्य जुटा रही है। देर रात लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और कांग्रेस उम्मीदवार कमलजीत सिंह करवाल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद सोमवार को लुधियाना के डाबा रोड इलाके में तनाव बढ़ गया। मौजूदा विधायक बैंस और करवाल लुधियाना की आत्मनगर सीट से पंजाब का चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।